कट्टा चीला पैच मांगा है, मतलब मांगा है, बाद में जब मेरे वहाँ आ जाएगा तो मैं इनको वापस कर दूंगी। और ये जेब में हाथ डाल के मैडम भी आई है। ये गुड्डी दी, हेलो गुड्डी दी, हाय। मैं तेरे को वापस दूंगी चीला, या वैसे ही दे रही है मुझे? तू जो करेगी यार, मेरे को हरा घास दे देना। अच्छा, हमारा हरा घास है नीचे, उसको काट लेना। क्या कह रहे हो, जल्दी कहो तो। दो जने घास काट लेना, हमारे वहाँ है नीचे वो। हाँ, ये शांति दी कह रही है, वो हमारा ही घास है, उसको काट लेना कह रही है। झूठ बोल लिया, क्योंकि घास हमारा ही है। इतनी हालत खराब होगी हमारी, देखिए ये हमारे यहाँ भूसा भी खत्म हो गया। क्या खाता है हमारा भैंस अब? अगर बारिश एक दिन और रहती है तो पता नहीं क्या होने वाला है। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? यूट्यूब फैमिली के बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटू को ढेर सारा प्यार। मैं पहाड़ी ब्लॉग से किरण, आप लोग का मेरे चैनल में स्वागत है। एंड आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आप लोगों ने कल का ब्लॉग देख लिया होगा, तो जिसमें मैंने बताया कि दो दिन से लगातार बारिश है। तो आज बारिश तो नहीं है, बट मौसम बना हुआ है पूरा, मतलब बारिश आने का मौसम हो रहा है। तो मैं अभी छत में जा रही हूँ, मैं छत में जाके आपको वहाँ का व्यू दिखाती हूँ। और आज मेरे साथ कामनी भी है। ये हेलो, कामनी भी स्कूल नहीं गई है आज, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था। तो पूरी क्लास की लड़कियों ने प्लान बनाया होगा स्कूल में, कल स्कूल नहीं आएंगे, तो ये भी नहीं गई महारानी भी। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, रुक जा फिर। तो अभी मैं जा रही हूँ छत में, छत में से आपको ब्लॉग दिखाती हूँ। तो गाइज यार, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जल्द से जल्दी चैनल को मोनेटाइज करने के लिए मुझे हेल्प कीजिए। बने रहिए ब्लॉग में। गए हैं छत में आप लोग को यहाँ का व्यू दिखाने और मौसम दिखाने के लिए। और जैसे कि मैंने तुमसे बोला था कि मौसम बन रहा है, तो बारिश के छींटे भी पड़ने ही लग गए हैं, शायद बारिश आ ही जाती है। तो हम बारिश में ना भीगे, इसलिए आपको सबसे पहले मैं यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ। अब इतना घनघोर मौसम हो रहा है, छत में। तो अब हम चलते हैं नीचे, बारिश के छींटे पड़ने लग गए हैं, भीग जाएंगे इसलिए। तो आप लोग को मौसम तो दिखाई दिया मैंने, अब आगे क्या होता है ब्लॉग में वो भी आप लोग देख ही लोगे। तो बारिश के छींटे पड़ रहे हैं, बारिश में भीग जाएंगे। हाँ, बारिश में भीगने का मन है या छत में रहने का मन, मतलब नीचे जाने का मन है? नहीं रहते बारिश में, इसको बारिश में नहाने का मन करा है, बारिश की छींटे पड़ने लग गई। तो अब हम चलते हैं कमरे में। और अभी बच्चे स्कूल गए हैं, अभी 10:30 बजे हैं, तो अभी कुछ काम भी नहीं है, इसलिए हमने सोचा थोड़ी देर छत में जाते हैं। तो कहाँ से जैसे छत में आए तो छींटे भी पड़ने लग गए, अब नीचे जाते हैं। तो नीचे हमारे फूल देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, मुझे तो प्यारे लग रहे हैं, पता नहीं आपको लग रहे नहीं लग रहे। देखिए गाइस, ये कहाँ से आ रहे हैं पता नहीं, मुंह में मोबाइल लगा के। इनको शर्म लगती है बल बहुत ज़्यादा। ये देखिए गाइस, गौर से देखिए, कल ही शादी हो रही है इनकी, शर्म आ रही है दुल्हन की तरह। ये देखिए घूंघट निकल, ले लिया इसका देखा। मैंने आप लोगों से बोला था कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और यहाँ बारिश आने वाली है। तो आप सुन सकते हैं, आसमान भी आवाज़ कर रहा है और इतनी तेज़ बारिश लगी है यहाँ। आज 3 दिन हो गए लगातार हमारे यहाँ बारिश हो रही है, मतलब लगभग उत्तराखंड में, कुमाऊँ ज़िले में सभी जगह लगातार बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। जहाँ भी सुनो बारिश बारिश ही हो रही है अभी, उतनी ये बारिश। खाते हैं खाना, आज खाने में क्या बनाया है आपको दिखाती हूँ मैं। खाना बना तो खाना बनाते बनाते तो ब्लॉग नहीं बनाया, तो खाने में क्या क्या बनाया है वो दिखाती हूँ आपको। ये खाने में बनाया है आज हमने झोली और भात, ये देखिए, ये दही की झोली और भात बनाया है। और जिस जिसको दही झोली भात पसंद है आ जाओ खाने के लिए, और अब जिसको पसंद है वो मेरे यहाँ आ सकता है, उसके लिए बना दूंगी मैं झोली भात। मतलब अभी तो आप कहाँ पहुँचोगे ब्लॉग देखते देखते। तो अब हम खाते हैं खाना, तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद, आप ब्लॉग में बने रहिए।
और जानवी आ गई है स्कूल से। मैं जानवी को लेके जा रही हूँ, लेकिन छाता नहीं मिल रही मुझे। छाता जानवी लेके गई है, देखती हूँ जानवी के पास है या नहीं है छाता। बच्चे स्कूल से आ गए, देखो आ गया स्कूल से। ये जानवी को देखो, जानवी कपड़े गंदे हो रहे। हेलो लक्षिता, कैसा लग रहा है बारिश में? अच्छा लग रहा है, मैं तो भीग रही हूँ। फिर मुझे आज बहुत ही परेशान कर दिया ये पानी में डांस करते करते। आ रही ना पानी में डांस करते करते, क्यों स्कूल से आ गई करके? बहुत ज़्यादा तेज बारिश आ रही है, इसने भिगा दिया मुझे, क्योंकि पानी में खेल करते करते आ रही थी। अब मुंह क्यों बना दी है, मुंह क्यों बना रही है? गाइस यहाँ बारिश ही बंद नहीं हो रही है, सब लोग परेशान हैं इतने दिनों से। हमारा घर तो थोड़ा नज़दीक ही है, तो हमको तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही। जो उधर उधर से आते हैं उनको उतना पैदल चलना पड़ रहा है। अच्छा चल 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 चल, अब आ गया मेरा बच्चा स्कूल से। ये जानवी कपड़े बदल ली, देखिए गाइस ये जानवी कपड़े बदलने। खाना खाएगा ना? मेरी टाई खोलो। पहले बता खाना क्या खाएगा? मैं खाऊंगी। आज क्या बनाया बताऊं? दही की झोली और भात। देखिए गाइस जानवी का मुंह खाना खाने का नाम सुनते ही रो, चलो उधर बैठ। ये इसको झोली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, सही करती है इसको। मतलब क्या चाहिए था तुझे खाने में? गंदी बात, क्या चाहिए था? चाउमीन खानी है। हाँ ये इसका चाउमीन और मोमो खाने गाइस। देखिए आजकल के बच्चे के वो देख रहे हो आप लोग, चाउमीन और मोमो खाएगी। चलो तो गाइस मैं इसके कपड़े चेंज कर लेती हूँ, अभी अंशु नहीं आई है। अंशु के आते समय पता नहीं बारिश होती है नहीं होती है। आ गई है, मैं उसको लेने जा रही हूँ। मौसी तो अभी अंदर सोई थी, तो मैंने कहा मैं ले आती हूँ, आप खुद करती हूँ। मैं उसको ये दौड़ दौड़ के आ रही थी, रुकी भी नहीं। बारिश तो बंद अभी थोड़ी बहुत हुई है, तो मैंने सोचा घास काट लेती हूँ। और मौसम इतना गंदा हो रहा है ना, आप लोग को दिखा रही हूँ मैं। देखो वो देखो आसमान, इतना गंदा आसमान हो रहा है, इतनी ज़्यादा। मतलब ये बारिश रुक ही नहीं रही है आज। मेरे हस्बैंड सुबह 11 बजे से भीमताल गए हैं, वहाँ इतनी जोर की बारिश लगी है कि अभी तक नहीं आए। मैं फ़ोन किए जा रही हूँ, क्यों नहीं आ रहे हो करके, ऐसे कह रहे बारिश लगी है। बारिश तो यहाँ भी लगी थी खैर तगड़ी वाली, लेकिन अभी बंद है। तो अभी भी मैंने फ़ोन किया तो बोल रहे हैं यहाँ बहुत तेज़ की बारिश है, मैं देर से आऊँगा। तो मैंने सोचा उनके आने तक, मतलब बारिश भी बंद है तो मैं घास काट लेती हूँ, तो कहीं मैं ब्लॉग बनाने के चक्कर में ऐसी ना रह जाऊँ, ब्लॉग ही बनाने में ना रह जाऊँ तब तक का बारिश फिर से शुरू हो जाएगी। तो मैं फटाफट घास काट लेती हूँ पहले, उसके बाद ब्लॉग बनाऊंगी। काट के लागी आज हमारे यहाँ बिल्कुल भूसा ख़त्म हो गया है। अब क्या होता है भूसे के बिना, क्योंकि बारिश लग रही है, थोड़ा बहुत बचा था तो मैंने सोचा कल धूप आएगी, तो मंगाया था आज पिकअप वाले से। तो अब बारिश हो गई, हल्द्वानी में भी बारिश है बोल रहा है। तो आज अब पता नहीं क्या होता है। अब मैं जाती हूँ बगल में गुड्डी दी लोग के यहाँ से, उनके यहाँ से मांग के लाती हूँ एक कट्टा भूसा, क्योंकि नहीं तो मेरा भैंस भूखा ही रह जाएगा। तो भैंस की तो पहले चिंता ठहरी, ये सब मांग भी बक गई मेरी ये बारिश में घास काटने की वजह से। तो अब मैं जाती हूँ गुड्डी दी लोग के यहाँ और वहाँ से मांग के लाती हूँ भूसा भैंस के लिए। हाँ बहुत बारिश आ रही दो चार दिन से, हमारे यहाँ भूसा भी ख़त्म हो गया है, बिल्कुल भूसा भी बचा था। आज हमने हल्द्वानी से मंगाया था, तो कैसे लाता पिकअप वाला भी बेचारा ला नहीं पाया। तो मैं ये गुड्डी दी के यहाँ आई हूँ, ये गुड्डी दी से मैंने एक कट्टा चीला पैच मांगा है, मतलब मांगा है, बाद में जब मेरे वहाँ आ जाएगा तो मैं इनको वापस कर दूँगी। और ये जेब में हाथ डाल के मैडम भी आई है, ये गुड्डी दी। हेलो गुड्डी दी, हाय। मैं तेरे को वापस दूँगी चीला या वैसे ही दे रही है मुझे? तू जो करेगी यार मेरे को हरा घास दे देना। अच्छा हमारा हरा घास है नीचे, उसको काट लेना। क्या कह रहे हो जल्दी कहो तो, तुझने घास काट लेना हमारे वहाँ है नीचे वो। हाँ ये शांति दी कह रही है, वो हमारा ही घास है, उसको काट लेना कह रही है। झूठ बोल लिया क्योंकि घास हमारा ही है। इतनी हालत खराब होगी हमारी, देखिए ये हमारे यहाँ भूसा भी खत्म हो गया, क्या खाता है हमारा भैंस अब? अगर बारिश एक दिन और रहती है तो पता नहीं क्या होने वाला है। तो गाइस हमारा ये रोज का काम शुरू हो गया है। अब हम थोड़ी देर बारिश रुकी है तो जल्दी से कुत्ते की काट लेते हैं, फिर उनके लोग भी ट्यूशन पढ़ेंगे। रोज का ही काम है हमारा, अब बहुत जल्दी जल्दी।
डेली ब्लॉग में आप लोग भी बोर हो रहे होंगे, बट क्या करें, अब जो काम होगा वही तो दिखाऊंगी मैं भी। तो बारिश अभी थोड़ी देर के लिए बंद हो रही है और मौसम तो बिल्कुल घनघोर बना है, ये तो पता नहीं किस समय भी आ सकती है। और इसके अलावा अभी जस्ट आ ही रहे हैं भीमताल से, काम कर लिया था तो मैंने ये पिछौड़ी पहनी है देखो, और तैयार भी हुई हूँ। तो मैंने एक तो रील बनाई, तो मैंने सोचा ब्लॉग में भी दिखा दूँ। तो ये पहाड़ी लुक में तैयार हुई थी, क्योंकि पहाड़ी गानों में रील बनाई मैंने, आप लोग को शॉर्ट्स में देखने के लिए मिल जाएगी। और मैंने सोचा ब्लॉग में भी दिखा देती हूँ। तो ये पहाड़ी, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब वैसे तो आप लोग को भी सबको अच्छा लगता होगा, बट मुझे भी पहाड़ी उसमें सजने सजने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैंने सोचा कि अपने YouTube फैमिली के साथ भी ये बातें शेयर कर दूं। तो मैं अभी अभी तैयार हुई थी है पिछड़ी चौड़ी पहन के शॉर्ट्स बनाने के लिए, तो मैंने सोचा ब्लॉग में भी डाल देती हूँ। काम हो गया था क्योंकि हमने जल्दी जल्दी काम कर दिया था, तो तब मैंने सोचा एक आध शॉर्ट्स बना लेती हूँ और फिर मैंने सोचा ब्लॉग में आप लोग को भी बता दूँ कि मैं तैयार हुई थी करके। तो ये देखिए मैं तैयार हुई थी, कैसी लग रही बताना कमेंट में ज़रूर। अभी अभी मैं रील बनाने के लिए रेडी हुई थी, मैंने आप लोगों से शेयर किया। अब मेरा मन करता है कि मैं अपनी हर बात आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि हमारी भी एक फैमिली जैसी होगी, तो इसलिए मैं आपसे हर बात शेयर करती हूं। तो मैंने एक शॉर्ट्स बनाने के लिए वो लुक डाला था, तो अब चेंज कर लिए कपड़े और अब मैं किचन में आ गई हूँ। मैंने आटा गूंथ के रख दिया है और सब्ज़ी बना दी है। आज मैंने बनाई है शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी, और बस दुकान बढ़ा के अंदर आएंगे, फिर हम रोटी बना के खाना वाना खा के सो जाएंगे। तो आज का ब्लॉग अब मैं यहीं पर कर रही हूँ, इन मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने जो नए नए जुड़े हैं वो अपने अपने लोगों तक पहुँचाएँ। और आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।